सो गाइस, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आप लोग कैसे पिक्सार ऐप के मदद से अपना जो शर्ट का कलर है चेंज कर सकते हैं। जैसे कि गाइस, मेरी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं जो फोटो है यहाँ पर व्हाइट कलर में था शर्ट, सो इसको मैंने चेंज कर दिया रेड कलर में। एंड आप लोग कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर चेंज हो रहा है गाइस मेरे स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए। सो आप लोग इस तरीके से कैसे चेंज कर सकते हैं अपना शर्ट का कलर, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड गाइस, आप लोग कैसे शर्ट पर चमक दे सकते हैं इस वीडियो पर, ये भी मैं बताऊँगा। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं मैं नॉर्मल फोटो को ओपन कर लिया पिक्सार ऐप के अंदर। ओपन करने के बाद अब लोगों के सामने यहाँ पर इसका जो शर्ट का कलर है चेंज करूँगा। गाइस आप लोग देख सकते हैं इसका जो शर्ट का कलर है, यानी इस फोटो का जो शर्ट का कलर है व्हाइट कलर में है। सो इसको मैं रेड कलर करके दिखाऊँगा आप लोगों के सामने। सो गाइस, जानने के लिए इस वीडियो को फुल्ली देखो। आप लोग बहुत सारे कलर दे सकते हैं, सो मैं रेड कलर करके दिखाऊँगा। सो गाइस, वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखना, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इफेक्ट पर टैप करना है आप लोगों को। सबसे पहले इफेक्ट पर टैप करने के बाद आप लोगों को कलर वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है। नीचे आप लोग देख सकते हैं कलर वाले ऑप्शन, इसके अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो इस वाले ऑप्शन है इसके अंदर टैप करना है गाइस। टैप करने के बाद आप लोगों का जो फोटो है कुछ इस तरीके का हो जाएगा। आप लोगों को फिर से इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है और यहाँ से आप लोगों को नीचे वाले ऑप्शन के अंदर इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है, ठीक है। सो टैप करने के बाद फोटो नॉर्मल सा हो जाएगा। आप लोगों को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आप लोगों को इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर से ब्रश वाले आइकन के अंदर टैप करिए और यहाँ पर हार्डनेस को फुल कर दीजिए और यहाँ से आप लोगों को कुछ इस तरीके से पेंट करना है, ठीक है। सो पेंट करने के बाद आप लोगों का जो फोटो का कलर है यानी शर्ट का कलर है चेंज होगा। एंड गाइस, यहाँ पर वीडियो को फुल्ली देखो। और भी एक चीज़ है, यानी शर्ट के अंदर डिटेल्स नहीं आएगा इस ट्रिक को अगर आप लोग अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। सो इसलिए वीडियो को फुल्ली देखना। मैं अच्छे तरीके से पेंट कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है, वो कौन सा ट्रिक है यानी शर्ट के अंदर कैसे चमक दे सकते हैं, ठीक है गाइस। सो यहाँ से मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। गाइस, जैसे कि मैंने फुल शर्ट पर यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आप लोगों के सामने फिर से कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। गाइस, यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है एक बार। टैप करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो ह्यू है ना, ह्यू को राइट यानी लेफ्ट की तरफ करेंगे तो यहाँ पर कलर चेंज होगा बहुत सारे। सो गाइस, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पर। आप लोग अच्छे से करोगे तो आपका जो शर्ट का कलर है बहुत ही रियल लगेगा एंड बहुत ही अच्छे तरीके का लगेगा, ठीक है। सो मैं कुछ इस तरीके से रेड कलर में रख देता हूँ। रखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो कलर ब्रश वाला आइकन है ना, इसके अंदर टैप करना है। सबका जो शर्ट है बिल्कुल ही चमकने लगेगा एंड बहुत ही यूनिक टाइप का लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइस, जो शर्ट का कलर है बिल्कुल ही चेंज हो चुका है एंड कितना अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पर मैं सेव करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। सो सेव कर लिया मैंने। आप लोग देख सकते हैं शर्ट का जो कलर है रियल लग रहा है एंड बिल्कुल ही यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से शर्ट के अंदर कलर आ चुके हैं गाइस। सो गाइस, इस ट्रिक को अप्लाई करिए और अपने जो शर्ट का कलर है चेंज कर सकते हैं आप लोग बहुत ईजी तरीके से। सो गाइस, आज का ट्रिक कैसा था नीचे कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और भी ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। और गाइस, वीडियो अगर शेयर नहीं किया अभी तक तो शेयर भी कर देना। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।